जमाना अपनी रफ्तार से चलता रहता है, तारीख बनती और बिगड़ती रहती है, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके नक्शे कदम पर आने वाली नस्लें चलती हैं। ऐसी ही एक बुलंद शख्सियत के मालिक थे मौलाना आज़ाद। 11 नवंबर 1888 को मौलाना आज़ाद पैदा हुए। उनका नाम रखा गया फिरोज़ बख्त मुईउद्दीन अहमद अबुल कलाम। जब मुईउद्दीन बहुत छोटे थे, मौलाना खैरुद्दीन अपने पैर के इलाज के लिए अपने ख़ानदान के साथ मक्का से कलकत्ता आए और यहीं बस गए। जब उनके वालिद मक्के से लौटकर हिंदुस्तान आए, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मौलाना की उम्र 2 साल से 6 साल के बीच में रही हो। 10 साल की उम्र में फिरोज़ ने कुरान शरीफ की तालीम मुकम्मल कर ली, कुछ सूरे ज़बानी हिफ्ज़ कर लिए। मौलाना खैरुद्दीन ने बेटों और बेटियों की भी तालीम का ख़ास ख्याल रखा। हाँ, तो बच्चों में बता रहा था कि इस्लाम बहुत अजीम और पाक मज़हब है। इसमें वतन के लिए ख़ास तौर से कहा गया है कि अपने वतन के साथ हमेशा वफादार रहो, कभी धोखा मत करना, क्योंकि मुनाफिकीन की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। और ये भी कहा गया है कि बग़ैर किसी मज़हब की तफरीक के अपने भाइयों के साथ प्यार और मोहब्बत करो, क्योंकि प्यार मोहब्बत का जज्बा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मज़हब जो है इंसानियत है, और इस्लाम भी इंसानियत के बारे में ही बताता है। एक बात और याद रखो, हर तरह से हर वक्त अपने मुल्क की खिदमत के लिए तैयार रहो। इस्लाम में इसलिए वतन को बहुत ऊपर कहा गया है, और मैं तुम लोगों से भी कहता हूँ कि अपने वतन की ऐसी खिदमत करो कि एक नज़ीर बन जाओ, लोग रहती दुनिया तक तुम्हें याद रखें। समझ में आ रही है ना बात? जी। हाँ मोहिउद्दीन, कुछ पूछना चाहते हो? जी अबू जान, आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि मैं अपने मुल्क की खिदमत कैसे करूं? बेटा मोहिउद्दीन, ये तो आपको सोचना है कि आप कैसे खिदमत करेंगे। इसके बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे मैंने बताया, अपने बरादरान वतन से प्यार मोहब्बत से रहो, ये भी एक मुल्क की खिदमत है। और बाहर के दुश्मनों से अपने मुल्क की हिफाजत करो, अगर वो आए तो उनसे बगावत करो, उनसे लड़ो, उनको दूर भगाओ, उनको उखाड़ फेंको यहाँ से, समझे? जी। शब बख़ैर। शब बख़ैर। अबू जान, अब बहुत रात हो गई है, अब आप सो जाइए। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा अबू नसर, सही मायनों में मेरे जानशीन हो, अल्लाह तुम्हें इसकी जजा दे। मौलाना, सर सैयद कहते हैं कि हम मुसलमानों को अंग्रेजी जबान सीखनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? ला हौल वला कुव्वत मियां, ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? अरे आपको तो पता ही है कि सर सैयद की अंग्रेजों से वाबस्तगी है। बहरहाल, इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि गोरों से खिताब लेने के बाद उनकी जुबान और उनकी हुकूमत की वकालत करते हैं। अरे अरे, हम मुसलमानों को अंग्रेजी जुबान और माशरत से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए, ये हमारे मजहबी रिवायात के खिलाफ है, खतरा है इससे हमें। अब 1857 में हमने बगैर किसी मजहबी तफरीक के इन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी, हाय अफसोस। मगर आज भी हमारे पठान बगावत कर रहे हैं, और देवबंद के मदरसे को देखिए, 1857 के बागी मुसलमानों का ही खोला हुआ है, और वहां हमारे मुल्क की आलीशान जुबान संस्कृत पढ़ाई जाती है, और हमें इस पे फख्र है। और आपकी अंग्रेजी जुबान उस मदरसे के दरवाजे से कोसों दूर खड़ी है, एक यतीम यसीर की तरह। और क्यों ना हो, अपनी बरसों पुरानी तहजीब को हम अंग्रेजों के हवाले कर दें? मियां, उस अंग्रेजी जुबान को सीखना जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है, इससे बड़ी तौहीन की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती। पर मौलाना, जहां तक मुझे मालूम है, सर सैयद
मेरा मतलब है जनाब सैयद, हिंदू मुस्लिम एतिहाद के खिलाफ नहीं है, वो चाहते हैं कि हम मुसलमान भी अपने हिंदू भाइयों की तरह आज के जमाने यानी जदीद तालीम हासिल करें और साथ साथ अपने दीन की बुनियाद को भी कायम रखें, नहीं तो हम हिंदुओं से पिछड़े रह जाएंगे। सैयद साहब फरमाते हैं कि मुसलमान फिलहाल जदीद तालीम पर ध्यान दें, तभी तो आगे चलकर सही मायने में हम हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी के लिए लड़ सकेंगे। इसीलिए वो फिलहाल अंग्रेजी हुकूमत से वफादारी की बात करते हैं, जिससे कि हमारे लिए जदीद तालीम हासिल करने के वास्ते जामिया वगैरह खुल पाएं। तो भुला दें अपने मजहब को। मौलाना, अंग्रेजी तालीम हासिल करने से ना तो हिंदू अपना मजहब भूले हैं और ना ही जनाब सैयद, हम तो आपके कदमों में हाजिर होते हैं दीनी तालीम हासिल करने के लिए। आखिर आप हमारे नक्शबंदी सिलसिले के इतने बड़े मौलाना हैं, तो अपने मजहब को भूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बेहतर यही होगा कि आप तशरीफ ले जाइए और जब हमारी बात पर यकीन आ जाए तो वापस आ जाना, वरना नहीं। मौलाना, मेरा मकसद आपको कतई परेशान करने का नहीं। आप तशरीफ ले जाइए यहाँ से। अरे शुभ्रो, तो तुम कब तशरीफ लाए? यही कुछ 2-4 घंटे हो गए होंगे। क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं अभी अभी आया हूँ। हमेशा की तरह मजाक करते हो। अच्छा, तशरीफ रखो। जरा ये तो बताओ, स्कूल में तुम नया क्या सीख रहे हो? क्यों, तुम्हारे अब्बू तुम्हें स्कूल भेजने की सोच रहे हैं क्या? अरे नहीं दोस्त, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दो। बहुत कुछ, पहले फिजिक्स थी, अब केमिस्ट्री आ गई है, पहले सिर्फ अंग्रेजी भाषा थी, अब अदब भी आ गया है, और तो और पॉलिटिकल साइंस भी आ गई है यानी नीतियाँ और राजनीतियाँ। अच्छा, तो जरा ये बताओ, क्या तुम सैयद अहमद खान के बारे में कुछ जानते हो? सैयद अहमद खान, द नेम रिंग्स अ बेल। हाँ, नाम तो कहीं सुना है। हाँ, कल ही पिताजी उनका लेख पढ़कर माँ से कुछ जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे जनाब सैयद अहमद खान बहुत ही तरक्की पसंद ख्यालात के हैं, और तो और पिताजी ये भी कह रहे थे कि सैयद साहब अंग्रेजी हुकूमत से बहुत वफादारी की बात करते हैं, इसलिए सर बना दिए गए हैं। अच्छा शुभ्रो, तो क्या तुम मेरे लिए इन सैयद साहब का लेख खिला कर दोगे? हाँ, पर बहुत ही एहतियात से, अप्पा जान को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। जानता हूँ, वरना तुम्हारे अब्बा हमारे कान खींच खींच कर हाथी जैसे बना देंगे, है ना? दोस्त, मैं तुमसे संजीदगी से बात कर रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम्हें तो पता है शुभ्रो, तो हमें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, बस कभी कभार किताबों की दुकान तक चला जाता हूँ। हालांकि मैं दूसरों के ख्यालात की इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरी भी तो कुछ ख्यालात है, उनकी इज्जत करना मेरा फर्ज नहीं है क्या? लेकिन तुम्हें तो संगीत पसंद है, क्या तुम अपने अब्बू के डर से इस ख्वाहिश को कुचल दोगे? मैं अपने अब्बा जान के एक मुरीद से सितार बजाना सीख रहा हूँ। अब्बू जान! शुभ्रो, तो तुम्हें मजाक के सिवाय कुछ और सोचता है? उनके जो खेल थे ना, वो ये खेल नहीं थे कि भाई आंख में चौली या फिर इस तरह से पकड़म पकड़ाई, ऐसे खेल नहीं थे। उनके खेल भी ये थे, खुद को वो अपने एक बॉक्स के ऊपर खड़े होकर, अटैची के ऊपर खड़े होकर ये कहते थे कि मैं तुम सबका लीडर हूँ। हिंदुस्तान के मुसलमानों, मेरी बात सुनो, मेरे दादा परदादा की अकबर और शाहजहां जैसे बादशाहों के दरबार में बहुत इज्जत होती थी। मेरे दादा परदादा बादशाहों से रूबरू होते थे, लोग उन्हें दिल्ली के मौलाना के नाम से भी जाना करते थे। मैं भी दिल्ली का मौलाना हूँ और बहुत दूर से ट्रेन पकड़कर आप सबके पास आया हूँ। अरे तुम तो कलकत्ता में रहते हो। अरे अरे, धक्का मुक्की ठीक नहीं, मेरी तकरीर सुनने के लिए हर कोई आगे नहीं बैठ सकता। मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में आए हैं। कहाँ है भीड़ मुहिउद्दीन? तुम आए दिन हमें जबरदस्ती बिठाकर अपनी तकरीर क्यों सुनाते हो?
अरे जब तक इसकी तकरीर ना सुन ले हमें जाने थोड़ा ना देगा। दिल्ली का मौलाना जो ठहरा। अमन बनाए रखे, जब कोई मौलाना अपने मुरीदों से बात कर रहा हो तो बीच में टोका टाके ठीक नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था कि इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करनी चाहिए, बेशक वो किसी और मजहब या मुल्क का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हमें गरीबों का बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमारे मजहब में ज़कात पर इतना जोर दिया गया है। ज़कात? ये क्या है? ज़कात नाम है उस हिस्से का जिसे आप अपनी कमाई हुई रकम से अलग करके गरीबों में तकसीम करते हैं। हमारे रसूल पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम सब बराबर है, इसलिए इस्लाम में ज़कात हर शख्स पर लाजिम किया है ताकि गरीब को भी रोटी कपड़ा और सर छिपाने की जगह मिल सके। समझे? युद्दीन मेरा दोस्त है। अब जलसा बर्खास्त, तालियां बजाओ। अगर है बात तो शाम। अरे बेटा हर वक्त पढ़ते रहते हो, कुछ खा भी लिया करो। आप खिलाएंगी तो मैं खाऊंगा। जरूर। अम्मी जान आप इतना लजीज खाना कैसे बना लेती हैं? ये खाओ। अरे दोस्तों, हर महीने हम अपने गरीब खाने पर एक महाना शहरी नशिस्त का इनेकाद करते हैं। आज के मुशायरे के सदर हैं अली जनाब नजमी साहब। मैं इसकी ताईद करता हूँ। ज़ेह नसीब। आज के मुशायरे में शायर हैं अबू नसर और फिरोज बख्त मुईद्दीन। भाई अबू नसर, आपने क्या लिखा है? जी मौलाना, एक गजल लिखी जा रही है। और आप मुईद्दीन? जी अभी कुछ अशआर पेश करता हूँ। इरशाद। नश्तर बदल है आह किसी सग जान की, नश्तर बदल है आह किसी सग जान की, निकली सदा तो फसल खुलेगी जबान की। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या उम्दा मसला कहा। गुंबद अगर है बात तो शामियाना, गुंबद अगर है बात तो शामियाना, गर्द शर्मिंदा कब्र मेरी नहीं साहिबान की। वाह बहुत खूब, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शाबाश शाबाश, इस उम्र में इतनी गहराई। 10-11 साल की उम्र के मुईद्दीन की अम्मी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी वाला का इंतकाल पर हमें बड़ा अफसोस है, आइए उनके हक में दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह उनकी मगफरत फरमा दे। आमीन। या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। या अल्लाह इस बच्चे की इस उम्र में अपनी माँ का साया उड़ गया, तू अपनी रहमत का अपने करम का साया दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब। अच्छा मैं अब चलता हूँ। उस्ताद मोहतरम आज पढ़ाएंगे नहीं? बेटा तुम आज भी पढ़ना चाहते हो? इतने गहरे सदमे से बाहर निकलने के लिए आपकी और तालीम की जरूरत है। सुभान अल्लाह, तुमसे बेहतर शागिर्द मिलना नामुमकिन है। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए खान साहब, तशरीफ रखिए।
اتنی مدت کے بعد ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں آپ. افسوس، 5 برس ہو گئے آپ سے ملاقات کیے. زندگی کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے، اور آپ سے ملے بغیر قبر میں پاؤں رکھوں گی تو کیسے؟ ہمارے ہوتے ہوئے اتنی مایوسی؟ وہ تو آپ کے چہرے پر بھی جھلک رہی ہے. ہاں میاں، کہہ تو صحیح رہے، دراصل میں زندگی سے بیزار نہیں ہوں، میں ہوں انگریزوں سے پریشان. ان کے وزن دار چمڑے کے جوتے ہم ہندوستانیوں کو مسلتے ہوئے کلکتہ سے دلی تک تو پہنچ گئے ہیں، اور اب اس سے بھی آگے خدا کی قسم خون کھولتا ہے. سب کچھ لوٹ لیا انہوں نے ہم ہندوستانیوں کا. میاں، خود غرضی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ سونا لے گئے، کوہ نور لے گئے، اور اب ہماری اپنی تہذیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیے نا، مسلمانوں کا ایک طبقہ انگریزی تعلیم لینے پر آمادہ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ انگریز کیا چاہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا چاہتے ہیں. خان صاحب، لگتا ہے آپ کے زخم ابھی بھرے نہیں. ہمارے دادا اور جوان ابا کو 1857 میں توپوں سے باندھ کر ان کے چیتڑے اڑا دیے گئے. میں تو 10-12 برس کا تھا. میں نے اپنی اماں کو بیوہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. امی کی گھٹن میری سانسوں میں سما گئی ہے، اس کی سسکیاں میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں. انگریز کو کیا فرق پڑا؟